आप इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हाउस वायरिंग करना चाहते हो या सीख रहे हो तो हम एसआई नियम के आधार पे आपको समझाएंगे कि कौन सा वायर, कौन से कलर का वायर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे घर में जो लाल कलर का वायर लगा रहता है या हम लोग जो लाल कलर का वायरिंग करते हैं वो है प्रायः लाल कलर का वायर जो है वो फेस के लिए यूज़ किया जाता है और जो ब्लैक कलर का वायर रहता है उसको न्यूट्रल के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही जो ग्रीन कलर का वायर रहता है उसको हम लोग जमीन अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं और एसआई नियम भी यही कहता है कि जो लाल कलर का वायर है वह फेस के लिए और ब्लैक कलर का वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए और ग्रीन का जो वायर है वह अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब आईटीआई के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे ये सब चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो हमारा बोर्ड है, ये जो 6 वे बोर्ड है, यहाँ से फैन के लिए, यहाँ से बल्ब के लिए, यहाँ से फिर एक बल्ब के लिए कितना एमएम का वायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लाइट और फैन के लिए जो है, अगर हमारा घर का लोड 250 वाट है तो हम लोग 0.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा जो बोर्ड का लोड है मतलब बल्ब और पंखा मिला के 375 वाट टोटल होता है तो उसके लिए हम लोग 0.75 का वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा बोर्ड का लोड 500 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 1 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर बल्ब और पंखा का टोटल वाट मिला के 750 होता है तो उसके लिए हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि कितना वाट कितना स्क्वायर एमएम के लिए यूज़ किया जाता है तो आप लाइट और फैन के लिए 1 एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। यह जो है लाइट और बल्ब मतलब बल्ब और पंखा के लिए 1 एमएम का वायर काफ़ी होता है, तो आप सीधा बल्ब और पंखा के लिए 1 एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक लेने में जो वायर का यूज़ किया जाता है दोस्तों, अगर हमारा जो ये वाला बोर्ड है इसका लोड 500 वाट रहता है तो हम लोग 1 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करेंगे। साथ ही 1 एमएम का वायर हम लोग बोर्ड वायरिंग, ये जो बोर्ड है इसके वायरिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा बोर्ड का लोड 750 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा बोर्ड का लोड टोटल लोड 2000 वाट होता है तो हम लोग उसके लिए 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है मतलब एमसीबी बॉक्स जो है उसके लिए हम लोग रूम का 2 बोर्ड तक लेने के लिए कितना एमएम का वायर यूज़ करेंगे। तो हमारा जो 2 बोर्ड का लोड है वो अगर 1000 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करेंगे, मतलब एमसीबी बॉक्स से रूम तक ले जाने के लिए 1 एमएम 1.5 एमएम का वायर यूज करेंगे। अगर हमारा दोनों बोर्ड का लोड 2000 वाट होता है मतलब ये वाला बोर्ड और ये वाला बोर्ड मिला के 2000 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। अगर हमारा ये दोनों बोर्ड को मिला के 5000 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 4 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं जो पावर सॉकेट रहता है उसके लिए हमें कितना एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए। पावर सॉकेट मतलब बोलने का मतलब यह है कि हमारे घर में जो पानी फिल्टर का मशीन रहता है या जो गीजर का मशीन रहता है पानी गर्म करने का या जो आयरन रहता है या जो वॉशिंग मशीन रहता है इसको चलाने के लिए हम लोग कितना एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारा टोटल लोड 1500 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर 4500 वाट होता है तो 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं और अगर 6000 वाट होता है तो हम लोग 4 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर आपको पता नहीं है या आपको एमएम कितना एमएम का वायर कितना लोड के लिए देना है ये सब डिफिकल्टी लग रहा है तो इसमें हम आपको सीधा बताएंगे कि कौन से चीज़ के लिए आप कितना एमएम का वायर डायरेक्ट लगा सकते हो। दोस्तों ये जो हमारा गीजर है इसको चलाने के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर काफ़ी होता है। अगर आप जहाँ पे गीजर लगा रहे हो वहाँ पे सीधा आप 1.5 एमएम का स्क्वायर लगा दो। अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे रूम हीटर लगा होता है मतलब कि जो रूम गर्म करने का जो हीटर लगा रहता है उसके लिए सीधा आप 1.5 स्क्वायर एमएम का
वायर यूज कर सकते हैं। और जो एसी रहता है अगर वो 1.5 mm मतलब 1.5 टन का है तो उसके लिए आप सीधा 2.5 square mm का लगा दो। साथ ही अगर ये 2 टन का एसी है तो उसके लिए आप 4 mm का वायर यूज कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं जो हमारे घर में बिजली का जो मीटर लगा होता है जो खंभा से सीधा रूम मतलब कि मीटर में आता है उसके लिए साथ ही जो एमसीबी बॉक्स है उसके लिए कितना एमएम का वायर यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका एमसीबी बॉक्स का टोटल लोड मतलब कि आपका घर का सभी मिला के सब लोड 4000 वाट है तो आप 4 square mm का वायर यूज कर सकते हो। साथ ही अगर 6000 वाट होता है तो आप 6 square mm का वायर यूज कर सकते हो। अगर टोटल लोड 10000 वाट होता है तो आप 10 square mm का वायर यूज कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं कि जो हमारे घर में न्यूट्रल रहता है उसके लिए हम लोग कितना एमएम का वायर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो लोड है वो 1500 वाट रहता है तो उसके लिए हम लोग 1.5 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। साथ ही 4500 वाट रहता है तो उसके लिए 2.5 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। और अगर 8000 वाट होता है तो उसके लिए हम लोग 4 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि जो अर्थिंग लगा होता है जो जमीन अर्थिंग लगा होता है उसको उसके लिए हम लोग कितना एमएम का वायर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्विच बोर्ड जो रहता है जो हमारा जो बोर्ड रहता है उसके लिए हम लोग 1 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है मतलब एक बोर्ड से जो दूसरा बोर्ड में लाइन जाता है उसके लिए हम लोग 4, 6 या 10 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। जो होम अप्लायंस है जो एक एक बोर्ड के लिए जो सेपरेट जाता है उसके लिए हम लोग 2.5 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों की जो UPS और या इन्वर्टर रहता है उसके लिए हम लोग कितना स्क्वायर एमएम का वायर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे UPS या इन्वर्टर 1 kVA का है तो हम 1 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। अगर 1.5 kVA का है तो हम लोग 1.5 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। अगर 2 या 3 kVA का जो हमारा होम अप्लायंस है वो रहता है तो हम लोग 2.5 square mm का वायर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि मीटर से एमसीबी तक ले जाने में या एमसीबी से पावर सॉकेट एमसीबी से बोर्ड या बोर्ड से बल्ब तक ले जाने के लिए आपको पता नहीं है या कठिनाई हो रहा है तो यहां से आप डायरेक्ट कितना एमएम का वायर यूज लगा सकते हैं। तो दोस्तों मीटर से जो एमसीबी बॉक्स रहता है उसके लिए आप 4 या 6 mm का वायर यूज कर दो। ये 4 या 6 mm का वायर 4 रूम के लिए काफी होता है। दोस्तों अब देखते हैं कि हम जो एमसीबी बॉक्स है हमारा वहां से बोर्ड तक लेने में मतलब एक जो 6वें बोर्ड है उसको उस तक लेने में आप 2.5 square mm का वायर यूज कर दो। उसके बाद ये कोई भी लेड ले लेगा। और जो हमारा एमसीबी बॉक्स है वहां से पावर सॉकेट तक लेने में 4 square mm का वायर यूज करना होगा क्योंकि पावर सॉकेट में हमेशा हेवी लोड यूज किया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं कि जो 6वें बोर्ड है वहां से एक 3वें बोर्ड तक लेने में आप 2.5 square mm का वायर यूज कर सकते हो। साथ ही जो बोर्ड है वहां से एक बल्ब या एक पंखा तक लेने में 1 square mm का वायर काफी होता है तो आप 1 square mm का वायर यूज कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप अगर इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो क्योंकि ये जो है आईटीआई के क्वेश्चन में पूछा जाता है। साथ ही अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो आप इतना एम्पियर के लिए इतना एमएम का वायर यूज कर सकते हो। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।